हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिस्टर सूर्य। पिछले क्लास में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बता रहे थे। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे। अब आप कहोगे सर कैसे, आप क्या बोलोगे कैसे, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आप नहीं बना पाए थे। जैसे देखो, अब आपको थोड़ा सा हमने आपको शायद कुछ रूल बताए थे, एक बार रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। देखो, पहले हम बताते हैं रूल नंबर वन, फिर रूल देखो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है, जो लोग लेक्चर देख रहे होंगे उसमें हमने शायद टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 की बात किया बार बार। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, जो टाइप 1 है इसमें 3 रूल है। टाइप 1 में आपके पास 3 रूल्स है, ठीक है। जो टाइप 1 है उसमें 3 रूल है। अब देखो टाइप 1 में 3 रूल क्या है। पहला जो रूल वहां पे है वो मामला है आफ्टर द एटॉमिक नंबर 20, आफ्टर द जेड बराबर 20, यानी आफ्टर द एटॉमिक नंबर 20। दूसरा रूल है टाइप 1 का, रूल नंबर ये 1, ये रूल नंबर 2, ये टाइप 1 का है कि जिसके आउटर सेल में 12.2 या फिर 17.2 आएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा 13.1 और ये कन्वर्ट हो जाएगा 18.1 में। ये रूल नंबर 2 है टाइप 1 का। और इसमें एक और था, इन द केस ऑफ 46 पैलेडियम, वहां पे आएगा 16.2, वो हो जाएगा 18.0, ठीक है। और तीसरा इसमें जो रूल है वो है 18 प्लस एक्स रूल, जिसमें दो तरह का केस होता है, एक लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। तो हमने ये रूल आपको बताया था, लेंथेनाइड के लिए 2, 8, 18, 18 प्लस एक्स 8.2/9.2। और जो बी ऑप्शन था इसमें वो 18 के लिए था, 2, 8, 18, 32, 18 प्लस एक्स 8.2/9.2। ये जो 9.2 है वो सिर्फ 3 एलिमेंट्स के लिए लगेगा, 57, 64 और आपका 71। और ये जो ये 9.2, ये देखो आपका लगेगा 96, 103, ठीक है। अब हम आपको टाइप, ये 1 हो गया, 3 रूल्स। टाइप 2 में हमसे आपसे कहा था, हमने आपसे रेगुलर ऑर्डर ऑफ एनर्जी, सॉरी रेगुलर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, और तीसरा आपका था एनर्जी का ऑर्डर। तो इसमें याद करने का आसान तरीका था इसमें कि पहले सिंगल होगा, फिर दो दो का जोड़ा, फिर तीन तीन का जोड़ा, फिर चार चार का जोड़ा, इस तरह से। यहां मैं कहा था आपसे, जैसे मान लो ये 1s 2s 2p 3s 3p 3d ऐसे टोटल, जैसे मान लो 4s होता है 4s 4p 4d 4f इस तरह से। तो अब हमें ये जो आपको मेन दो तीन लोगों का डाउट था, दो तीन स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा सर ये 64 का आप बता दो कि इसका कैसे बनाओगे। तो चलो हम यहां फोकस करते हैं 64 पे और 57 पे 71 पे ये आपको समझा देते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं दोस्त टाइप वन पे। आपको पहले हम कहां आते हैं, टाइप वन, और जेड बराबर 57 पे चलते हैं। पहले कहां चलते हैं, 57, और वहां ये रूल लगाते हैं 2, 8, 18 प्लस एक्स 8, 2। तो पहले देख लो कितना हो रहा है, 10, 10, 20, 18, 38, ठीक है, वो 57, और ये भी 8 ऐड कर लो तो 38 प्लस 18 56, यानी यहां जो x की वैल्यू है वो 1 पुट करना होगा, जो x की वैल्यू है वो 1 पुट करना होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जो 57 में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वो यहां पे ऐड करेंगे, कहां पे भैया, इस केस में यहां पे, ठीक है, यहां इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि जो 57 है तो यहां जब ऐड कर देखो ये क्या हो जाएगा, 2, 8, 18, 9, 2, जो 57 है ये 2, 8, 18, 9, 2, ठीक है। चलो तो अब देखो यहां पे, फिर जब 56 से 56 58 पे आओगे आप, जेड बराबर 58, फिर वही 2, 8, 18, 18 प्लस एक्स 8, 2, ऐड कर लो 10 और 10, 20 और 18, 38 और 18, 56, तो बचा कितना, 2, तो वो 2 यहां रख देंगे तो हो जाएगा 2, 8, 18, 20, 8, 2, ठीक है। अब देखो जब 58 से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पे 59 जाएंगे, 58 से कहा 59, 60, 61, 62, 63 और 64, ठीक है। तो अब देखो यहां जब 64 पे आओगे तो बड़े ध्यान सुनना, इतना कॉमन रहेगा सब में, ठीक, 20 से हो जाएगा 21, 8, 2, 22, 8, 2, 23, 8, 2, 24, 8, 2, 25, 8, 2, जब 64 में आप आओगे, 64 कहां पे भैया, 64, तो वहां पे क्या है कि हमने कहा कि भाई लास्ट में 9, 2 होगा, ये कितना रहेगा 25, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। हमने पिछले ही बता दिया था रूल नंबर थर्ड में कि 64 के लिए ये 9, 2 रहेगा, ये प्रैक्टिकल है, और इसी का हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना था। तो अब इसको लेके आएंगे टाइप टू में, किसमें, टाइप टू, ये टाइप वन हो गया, अब कहां पे आता है इसको लेकर के, टाइप टू। टाइप टू ये बोलता है इसके नीचे से लाइन कर लो, जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, टाइप टू के हिसाब से 1s2, 2, 2s2, 2p6, 3, 3s2, 3p6, 3d10, 4, 4 को देखो 25 है ना, 4s2, 4p6, 4d10, 4f, तो ऐड करो 25, 2, 16, तो 25 माइनस 16, 25 माइनस 16, 1 सेकेंड, 2 और 6, 10, 18 हो गया ना, तो 25 माइनस 18, 7, ये 5 है ना, 5, 9, देखो 5 प्लस 2
5P6, 5D1, 6 है ना ये, 6S2, ऐसे। ये समझ में आया थोड़ा बहुत, ये टाइप 2। फिर आते हैं टाइप 3 एनर्जी ऑर्डर, और हमने इसमें यही कहा था सिर्फ आपको कि पहले सिंगल होगा, पहले सिंगल मतलब ये 1S2, फिर दो दो का जोड़ा, फिर तीन तीन का जोड़ा, फिर चार चार का जोड़ा। दो दो का मतलब देखो 2S2 2P6 एक जोड़ा, 3S2 3P6 दो जोड़ा, दो दो का दो जोड़ा हो गया। अब तीन का दो जोड़ा, तीन कैसे लेंगे, 4S2 3D10 4P6 5S2 4D10 5P6। अब देखो तीन तीन का दो जोड़ा हो गया, अब चार चार पे आएंगे तो 5 के बाद 6S2 4F 7 5D1 ठीक है, ये इतना पहले आया। अब देख लो पहले कहीं कुछ छूट रहा हो तो वो पूछ लो एक बार, यदि कहीं पर कुछ छूट रहा हो तो भी आप पूछ लीजिए, देख लीजिए एक बार कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। जोड़ लेते हैं एक बार यहां से, देखो ऐसे 2, 8, 8, 18, 18, 10 तो ऐड करो तो 10, 20 और 36 हो गया 64। बोलो भाई यही पूछ रहे थे आप कॉन्फिगरेशन से। तो अब देखो यहां तक ये इतना कितना हो रहा है, इसको थोड़ा ऐड करो यहां से यहां तक 10, 18 यानी ये 54 आया इतना, और 54 जेनान का होता है। तो अब हम अगर इसको लिखना चाहें शॉर्टकट में, इसका कॉन्फिगरेशन लिखना चाहो तो सिंपल लिख सकते हो जेनान के लिए कि जेनान और फिर ये 6S2 4F7 5D1 ठीक है। हाँ इसमें मुझे, हम उन लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे टाइप 1 का जो रूल नंबर 3 है, हमने उसमें कहा था भाई देखो 57 64 और 71 इन 3 एलिमेंट्स के लिए हमारा जो लगेगा रूल वो 2, 8, 18, 18 + x, 9, 2 लगेगा। और किसी के लिए लगाओगे 2, 8, 18, 18 + x, 8, 2 लगेगा ठीक है। तो अब यही हम कहेंगे कि भाई इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और ये देखो 64 का है पूरा, नोट कर लीजिए इसको।